दफ्तर में कई बार माल्यार्पण करने पहुंचे और ये भी है कि वो आरजेडी पार्टी से भी बिलोंग कर जो आरोपी है, कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर से संरक्षण तो नहीं मिल रहा है। अगर संरक्षण नहीं है तो और क्या है भाई। मैं नहीं मानता कि किसी भी आरोपी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है। मैं नहीं मानता उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई, आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है। कल को भगवान ना करे मेरी पार्टी से अगर कोई ऐसे तस्वीर सामने आई, सबसे पहला संभवता व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो उसको सामने लेकर आएगा और आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे अगर वो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही। और नहीं कार्रवाई करना ही दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। 26 दिन हो गए भाई, वही हम कह रहे हैं। 26 दिन के बाद भी अगर आरोपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण ही है ना, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप उस पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या करने से आप डर रहे। कारण जो भी हो, आप अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। इसीलिए जब जंगल राज कहा जाता है, इसीलिए जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल हैं सत्ता में जिनके पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती।